ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, डेड स्किन और त्वचा में जमी मैल स्किन के कॉम्प्लेक्शन को डल और खराब करती हैं। क्या ही अच्छी बात हो अगर आप इसको इंस्टेंटली रिमूव कर दें नेचुरल चीजों के साथ। अगर आप इस ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को इग्नोर करती हैं, चेहरे से क्लीन नहीं करती, तो यही चीजें आपकी स्किन पर बड़ी प्रॉब्लम्स बनती हैं, पिंपल्स लाती हैं, स्किन के टेक्सचर को खराब कर देती हैं, स्किन के कॉम्प्लेक्शन को डल करके आपकी त्वचा को काफी ज्यादा डल और झुर्रियोदार बना देती हैं। मैं आज आपके साथ मेंशर करने जा रही हूँ एक एक्चुअल ट्रीटमेंट जिसके इस्तेमाल से नोज और चिन के आसपास ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को इजीली रिमूव किया जा सकता है। साथ ही इसका इस्तेमाल आपके चेहरे में जमी डेड स्किन, डेड लेयर को साफ कर आपके चेहरे को काफी ज्यादा सुंदर बनाती है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। इस रेमेडी के लिए मैं यूज करने वाली हूँ अपना फर्स्ट ट्रीटमेंट जो कि है स्टीमिंग। एक बॉल के अंदर गर्म पानी लें और इसमें कॉटन के कपड़े को डिप करके अच्छी तरह से निचोड़ दें। इसको अपनी नोज के आसपास या फिर पूरे चेहरे पर अच्छी तरह से अप्लाई करें और इसको अपने चेहरे को स्टीम दें। जब आप इस प्रोसेस को करती हैं तो स्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है और पोर्स में जमी गंदगी, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स ऊपर आ जाते हैं और फिर इनको रिमूव करना बेहद ईजी होता है। अब बनाते हैं कुछ ऐसा जिसके इस्तेमाल से वो ब्लैक हेड्स जो कि ऊपर आए हैं वो इंस्टेंटली साफ भी हो जाए। इसके लिए एक बॉल के अंदर ले 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा शैम्पू और एलोवेरा जेल, तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करें और इस मिक्सचर को एक ब्रश की हेल्प से अपने नोज और अपने चिन के आसपास अच्छी तरह से अप्लाई करके इसको मसाज दें। इसको जैसे 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 आप धीरे धीरे से मसाज करेंगी तो ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स इंस्टेंटली स्किन से निकल जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा आपकी स्किन सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए ये कीजिए और उसके बाद चेहरे को ताज़े पानी से वॉश कर लें। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है चेहरे से ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को रिमूव करने का। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।